हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, स्पेशली जो एंटी इंडिया पार्ट्स हैं उनके द्वारा ये काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो आर्मेनिया के जो पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो इंडिया से वेपन परचेज किए गए हैं ये मैल फंक्शन करते हैं और इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेटमेंट को जब हम ट्रैक करते हैं कि सोर्स कहाँ पर है, ये स्टेटमेंट कब कहा गया, तो इसका जो सोर्स है ये एक अजरबैजान की साइट ही दिखती है और कोई दूसरा सोर्स नज़र नहीं आता। बाकी जगह भी जो कोट किया जा रहा है ये इसी अजेरी साइट calibre.az को कोट करके कहा जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर की बात कही जा रही है जिनका नाम है आर्शक कारापेशन, ये खुद एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हैं। इनको डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट से एक्चुअली हटाया गया था। तो जो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशिनियन, ये इनके घोर विरोधी हैं और इनकी पॉलिसीज़ का विरोध ये शुरुआत से करते आ रहे हैं। इवन ओपनली इनके द्वारा फेसबुक लाइव पे जाकर अपनी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया गया है। कारापेशन की बात करें तो ये आर्मेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, पर इनको वहाँ से भी बाहर किया गया 2016 में। उसके बाद इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया 2018 में, फिर डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया 2021 में, पर उसके 3 महीने में ही इनको निकाल दिया गया। तो ये प्रो रशियन माने जाते हैं और क्योंकि आर्मेनिया अपनी डिपेंडेबिलिटी रशिया से कम कर रहा है तो ये अपनी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इसके आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो भले ही इस स्टेटमेंट के कि इंडिया के जो वेपन्स आए हैं ये मैल फंक्शन करते हैं और यूज़ नहीं किए जा सकते, ज़्यादा सोर्सेज ना मिल रहे हों, पर इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन इनके स्टेटमेंट को सीरियसली लिया जाए इनके प्रो रशियन एटीट्यूड को देखते हुए ये समझदारी नहीं होगी। आगे चलकर अगर हम calibre.az के आर्टिकल की ही बात करें तो यहाँ पर भी जिस एक्सपर्ट को इन्होंने बुलाया है इस बात पे चर्चा करने के लिए वो खुद रशियन है, तो वहाँ पर भी आप अनबायस्ड रिव्यू नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया की वजह से रशिया का एक डिफेंस मार्केट उनके हाथ से गया है, तो उनके द्वारा अपने वेपन के मुकाबले इंडियन वेपन्स को क्रिटिसाइज़ किया जाए ये एक्सपेक्टेड है। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि किसी भी फैक्ट को या इंसिडेंट को कोट करते हुए इंडियन वेपन्स ने परेशानी दी है ऐसा नहीं कहा गया है। बस एक स्टेटमेंट को बेसिस बनाकर अजम्पशंस पे पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल की लैंग्वेज भी आपको सिविल नहीं लगेगी। इसको पढ़ते हुए आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये प्योर प्रोपेगेंडा ही साउंड कर रहा है। तो कुछ चीज़ों में यहाँ पर हम एग्री कर सकते हैं कि पहले जो हमारी R&D कैपेबिलिटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और एफिशिएंट भी हम बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर अब चीज़ें चेंज हुई हैं। इसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि मैक्सिमम वेपन्स जो आर्मेनिया ने इम्पोर्ट किए हैं ये प्राइवेट फर्म्स द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। ये चीज़ हम पिछले 15-20 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। बाकी सवाल ये भी उठता है कि अगर आर्मेनिया को इंडियन वेपन्स से इतनी परेशानी होती तो ये लार्ज स्केल में ऑर्डर क्यों दिए जाते, क्योंकि स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स के ऑर्डर जो हैं ये पहले ही दे दिए गए थे, और अगर वहाँ पर इनको कोई परेशानी आ रही थी तो उसके बाद अटैक्स के, मार्क के और आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम्स के ऑर्डर देने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो जो राइटर हैं इनके द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है यहाँ पर ये क्लियरली कहते हैं कि जो इंडियंस हैं ये हाई क्वालिटी वेपन मैन्युफैक्चरर्स बनने से बहुत दूर हैं, और मैं इनको अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जज करता हूँ। और यहाँ पर वो एग्जांपल लेते हैं रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो कोलैबोरेशन रहा इंडियंस के साथ टैंक्स को बनाने में। इसमें वो कहते हैं कि जो इंडियंस हैं ये काम करने में बड़े रिलक्टेंट रहे हैं और इंडियंस को फोर्स करना पड़ता है काम करने के लिए। तो इंडिया में प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग तभी हो सकती है जब कोई फॉरेनर इनको कंट्रोल कर रहा हो। खैर, इस चीज़ पर हम कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्मर PSUs का कल्चर था वो कुछ हद तक ऐसा ही था। काम से ज़्यादा इनोवेशन हमें वहाँ पर देखने नहीं मिली है। तो ये ऑफेंसिव साउंड ज़रूर कर रहा है, पर अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, पर प्रेजेंट के लिए ये नहीं कहा जा सकता। इवन हम अपने रशियन इक्विपमेंट्स को भी इंडिजिनसली ही अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे हम टैंक्स की बात करें, चाहे हम फाइटर प्लेटफॉर्म्स की बात करें। तो ये जो इनके मिलिट्री एक्सपर्ट हैं ये कहीं 90s और अर्ली 2000s में छूट गए हैं ऐसा मालूम पड़ता है। तो आज अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है कि हम रशियन वेपन सिस्टम के अपग्रेड और स्पेयर्स दोनों प्रोवाइड करा सकते हैं, और स्पेशली रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद कई रशियन वेपन्स ऑपरेटर्स इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं अपग्रेड्स और स्पेयर्स के लिए। तो एक तरीके से इनसिक्योरिटी भी है
क्योंकि रशिया का जो खुद का मार्केट है ये इंडिया की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर में भी ऐसे प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, स्पेशली प्रो रशियन साइट से। बेटर इस चीज को इग्नोर किया जाए, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा वेपन कैसे परफॉर्म कर रहा है ये दिख जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।